Hello everyone, and welcome once again to everyone who's tuning in to Behind the Curtain. And I don't have the technical capabilities right now to not show the person in front of me, otherwise aapko introduce karte hain chupa chupa ke, but people can already see. However, I will introduce myself. This energetic fellow, this vibrant energy, this young person jo hai, inse meri mulaqat hui thi, lekin hum काम तो साथ नहीं कर सके, लेकिन इनका काम मैंने जरूर देखा. एंड शी हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स टू हर क्रेडिट. बे इंतहा इन्होंने लिखा था 2017 में, एंड विच वॉज अ लव स्टोरी. एंड ऑफ कोर्स खुद गर्ल्स का तो आपको पता ही होगा, विच बिकेम अ सेंसेशन, दैट ऑल्सो ब्रोक स्टीरियोटाइप्स एज वेल. एंड देन शी इज ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन डिजिटल मीडियम एज वेल, आई थिंक विच इज द नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. एंड She's very much involved in that. Lekin jo critical acclaim unko mila, wo unko khud garv se mila when she was given the Lux Style Award for Best Emerging Talent and for television, which I think is a great accomplishment for anyone who's in the field, and bahut motivation milti hai. But the best part is that मैं जब इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इट, इट सेड दैट शी होल्ड्स अ डिग्री इन फिल्म एंड टेलीविजन फ्रॉम ज़ेविस्ट. बहुत कम लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो वो फिल्म और टेलीविजन पढ़ के आते हैं, अदरवाइज तो बस यू नो जस्ट लाइक मी, आई हैव नो डिग्री इन फिल्म एंड टेलीविजन, एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली स्ट्रगलिंग हार्ड विदाउट एनी टेक्निकल स्पेक्स. एंड शी इज ऑल्सो वर्कड इन द कैपेसिटी ऑफ कॉन्टेंट मैनेजमेंट एज एन इंडिपेंडेंट राइटिंग करियर. एंड आई बिलीव यू राइटिंग अ प्रोजेक्ट for Jio after a long break and a web series jo aapka hai isme. And we have Bilal now, without much delay. And Rida, I hope I was accurate in introduction. I hope I didn't miss anything. And not at all. Thank you so much, Rafi. Thank you for reaching out. Thank you for giving me time, because mujhse aksar log poochte hain ki yaar ye jo aap karte hain ye kyun karte hain, to main bolta hu ki dekhen सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं है. सिस्टम जो है वो अभी मेरे ख्याल से अजीब व गरीब चल रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के अंदर, वो काफ़ी इसको जो है दे वुड वांट इट टू बिकम यू नो काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइंड. एंड बट वी विल स्टार्ट ऑफ विथ यू एज अ कॉन्टेंट पर्सन, एज अ राइटर, एंड ऑब्वियसली यू वर्कड विथ इंस्टीट्यूशंस एज वेल. हाउ हैज इट बीन फॉर यू? Rafia, I think what I'm doing right now has a lot to do with some bad experiences that I have taken with me through these organizations. और मैं आपसे ये बात इसलिए कहूँगी क्योंकि I remember when I graduated with my degree, ठीक है, तो बहुत फॉल्स आइडियाज थे दिमाग में. बड़े एक आपके ख्वाब होते हैं ना बहुत सारे, आपको पता होता है कि यार मैं अपना ये हॉलीवुड वाला कॉन्सेप्ट जो है, या दिस थ्रिलर दैट आई लाइक, आई एम गोइंग टू मेक अ ड्रामा ऑन इट, यू नो, वो बचपन के ख्वाब, राइट? एंड देन यू एंटर अ चैनल, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स, एंड देन आपको पता वहां चलता है कि उसकी रद्दी बराबर हैसियत नहीं है. Because that's not what the people are looking for. Right. The people that you came to work for, right? Right. So, सबसे पहले तो I think reality and the you know the concept that you have in mind. सबसे पहले तो बंदा उसके साथ struggle करता है. मेरा experience बड़ा अच्छा रहा in few ways that it sort of set a path for me. कि मुझे क्या नहीं करना. यूजली okay. आप कहीं से यू नो सबक लेते हैं कि यार ये चीजें करनी है. सिंस द पास्ट 4 to 5 इयर्स दैट आई बीन राइटिंग इंडिपेंडेंटली, मैंने हमेशा सोचा था कि शायद मुझे लड़ना पड़े, और मुझे तब लड़ना पड़े जब मेरा काम बिलो द स्टैंडर्ड हो, यू नो. सो आई विल हैव टू पुट अप अ फाइट टू प्रूव माई सेल्फ. I had no idea कि मुझे अच्छा काम करने के लिए लड़ना पड़ेगा. वो तो है, ऐसा ही है. तो मैं पिछले 4 साल से लड़ रही हूँ अच्छा काम करने के लिए. मुझे नहीं पता कितनी चीजें शेल्फ हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता मैं कितने प्रोजेक्ट से बैक आउट कर चुकी हूँ,
क्योंकि काफी लोग हैं जिनको मैंने खुलेआम कहा है कि अगर आपको मसाला चाहिए तो आप शान और नेशनल वालों के पास जाएं, आपको जब कहानी चाहिए तो आप मेरे पास आएं, आपको ह्यूमन इमोशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करनी हो तो आप मेरे पास हैं, मैं मसाला आपको नहीं दे सकती बहुत ज़्यादा। तो वो एक जो स्ट्रगल है, मैंने एज अ कंटेंट मैनेजर बड़े बड़े राइटर्स का काम ना चाहते हुए साइड पे किया है, क्योंकि मुझे कहा गया कि इससे डेटिंग नहीं आएगी, यू नो। सो आई हैव बिन इन दैट एनवायरमेंट, विच इज वाई आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू डू। और मेरी शायद आखिरी चीज़ जो टीवी पे आई थी वो लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद से आई हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। सो एक्सपीरियंस के बारे में तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट दैट आई कैन टेल यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल। So, it brings me back. Now you're saying that you've seen, so basically you've been on the other side of the table and you've also been on the writer's side of the table. तो Yes. फिर मतलब which is the best side? Which is the best side? Yeah, I don't know. I'm just wondering because जो उस साइड पे बैठा होता है, जो पावरफुल साइड पे जो डिक्टेट करता है, उसके हाथ में पूरी गेम होती है. वो बताता है कि यार ये बना दो, वो बना दो. एक होता है राइटर. मीन देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ राइटर इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल एंड कंट्रोल द एंटायर गेम एंड यू नो हाउ इट वर्क्स. एनीवन सिटिंग देयर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सो फिर But if you're very sincere to me, I don't think I have been as sincere to people in my life as I am to my work. I'm extremely sincere to what I'm doing, ठीक है? And बात वही है कि अगर you know being on that side of the table, तो फिर वो बात नहीं आएगी काम में। देखिए, मैं कंटेंट मैनेजमेंट में थी जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप लिखें, बिकॉज दे न्यू दैट दे हैव अ राइटर इन द चैनल, राइट? एंड आई वाज गिवन इट एज अ फेवर कि आप लिखिए, आप फ्री में लिखें। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टेड टू डू माय 9 to 5 जॉब एंड देन व्हिच वाज ऑफ कोर्स 9 to 7, और उसके फेवर दे रहे हैं कि आप अपना पहला प्रोजेक्ट लिख लें। एंड आई डिड दैट। अच्छा एक्सपीरियंस था राफे, क्योंकि उसमें मुझे पता चल गया कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनसिक्योरिटी है, दैट हैज अ लॉट टू डू विद व्हाट वी सी ऑन टीवी दीज डेज। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो एजुकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस वाला मसला है ना, ये बहुत पुराना है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का है। पीपल न्यू दैट आई एम कमिंग देयर विद अ डिग्री एंड सम एजुकेशन, राइट? एंड आई हैड टू वर्क विद पीपल हु हैड नन ऑफ दैट, बट दे हैड एक्सपीरियंस। ठीक. सो समहाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो कि आप हर जगह देखते हैं, वो तो हर जगह किसी भी कॉमन हो जाता है. किसी भी पढ़े लिखे बनने के लिए। आई मीन आई हैव बिन इंटेंशनली केप्ट आउट ऑफ मीटिंग्स। माई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड एट द लास्ट मिनट एंड आई वॉज टोल्ड इट विल नॉट बी गोइंग ऑन शूट। एंड यू नो मजे की बात ये है कि हम जब स्ट्रगल की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कि यार कोई है जो रोज रिक्शा में, बस में, बसेस चेंज करके आता होगा, किसी बड़े एक उसने बड़ा बड़ी जिद्दोजहद की होगी। हम किसी अच्छी फैमिली के, किसी पढ़े लिखे या किसी वेल टू डू बंदे को हम बहुत प्रिविलेज समझते हैं, हम उसकी स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। आई मीन बड़े आपको मजे की बात बताऊं कि मैं चैनल मीटिंग्स में होती थी और मुझसे कहते थे तुम स्क्रीन पे आ जाओ ना, तुम एक्टिंग कर लो। क्यों भाई, क्यों कर लो? ये ही इसी वजह से इंडस्ट्री का ये हाल है कि आपको जो प्रेजेंटेबल लगे आप उसको लाके रख दो सामने, कि उसको आता हो ना आता हो। इफ यू कैन आस्क मी टू एक्ट, तो आप कितने गए गुजरे होंगे, आप सोचो। नहीं तो इफ यू हैव हैड दोज एक्सपीरियंसेस विथ यू,
Did you speak to the right people about it? Okay, you know, this is not on. This is, I mean, I'm sure there were some people who would be looking out and saying, "Okay, yaar, ye galat ho raha hai." I mean, I do know there's a backward mentality, but then there are those people who actually help at the right time. ऐसे नहीं थे लोग. बट राफे इस तरह का नहीं रहा है, पता है, बिकॉज मैं 2 से 3 चैनल्स में रही हूँ और अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट थिंक आई शुड टच अपॉन विच हैव अ लॉट टू डू विद यू नो फीमेल्स वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कुछ और अलग किस्म के मसाइल जो कि एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो तो एक अलग टॉपिक ही है. सो उस पे तो हम तो एक उस पर डिबेट हो हम बात जाएगी. करेंगे. तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर मुझे जब बताया गया था कि मेरा प्रोजेक्ट अब शूट पे नहीं जाएगा. और अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ है हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो आपने सुनी होगी, क्रेडिट. आपके क्रेडिट पे क्या है या मेरे क्रेडिट पे ये है. यू 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 टेंड टू हेयर दिस अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर चैनल्स, राइट? सो माई प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड एट द लास्ट मिनट बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि ये किसी और के क्रेडिट पे जाने वाला है. समवन एल्स इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट हेड. सो दैट पर्सन वॉन्टेड द प्रोजेक्ट टू बी री रिटन सो दैट देयर नेम वुड बी इन द क्रेडिट्स. यू गेट दैट? मेक सेंस, राइट? एंड आई रिफ्यूज टू डू इट. आई सेड इट्स माई स्टोरी, आई विल नॉट डू इट एंड आई विल टेक इट विद मी. एंड दैट प्रोजेक्ट वॉज खुद गर्ज. And it stayed with me for 3 years. I made changes, it went to the right place, and it got some recognition. नहीं तो टू दैट आई वुड ऐड कि देखिए द बैटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. आई मीन फॉर इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल, आई हैव बीन ट्राइंग टू डू अ प्रोजेक्ट सिंस 2018. इट्स बीन इन लिम्बो फॉर अ व्हाइल. इतने मसले मसाइल हुए, आर्टिस्ट एसोसिएट हो गए, ये हुआ वो. आई डिसाइडेड टू पुश इट फॉर अ बिट बिकॉज़ द पॉलिटिक्स एंड यू नो दैट थिंग हैपेंस. बिकॉज अगर एक बंदा स्ट्रगल करके या फाइट करके एक अच्छी चीज बनाने जा रहा होता है तो तीन चार लोग देखते हैं तो इसको गिराना है तो कोशिश करेंगे. इन विच यू प्रॉब्ली fought your way up and you managed and obviously you got the accolade and the achievement for that. लेकिन मेरा जो उसके पास ये बिल्ड होता है कि so does that mean that we're 100% unprofessional? पीपल जिनका एक बड़ा अच्छा तरीका कार है काम करने का. बट मैं आपको आई वुड लाइक टू गिव यू अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल इफ यू अलाउ मी टू. Of course. एंड सिंस मैंने पिछले 1-2 साल में देखा कि जो बात थोड़ी हंसी मजाक के साथ की जाए वो डायरेक्टली पहुंच जाती है. सो आई एम गोइंग टू कीप इट अ लिटिल लाइट ताकि ये बात लोगों को समझ में आए. सो देयर वाज अ रिलेटिव ऑफ माइन एंड शी हैड दिस ओबीस किड, एक्सट्रीमली ओवरवेट. ठीक है, वजह मुझे पता चली कि वो बच्चा ब्रेकफास्ट में भी फ्रेंच फ्राइज खाता है, लंच में भी फ्रेंच फ्राइज खाता है और वो डिनर में भी फ्रेंच फ्राइज खाता है. सो आई आई क्वेश्चन द मदर, मैंने कहा ऐसा क्यों है? सो शी सेड कि उसका टेस्ट ऐसा ही डेवलप हुआ हुआ है. अच्छा, ठीक है, ओके. हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स वो माए हैं और हमारी ऑडियंस वो बच्चा है और हमें पता नहीं है कि ब्लेम माँ को करें या बच्चे को करें. देखिए, हमसे पहले भी लोग थे जिन्होंने जिन्होंने तन्हाइयां देखा है, जिन्होंने धूप किनारे देखा है. सो आई कैन नेवर डम डाउन द ऑडियंस इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. आई सी दैट यू राइट एक्टिवली अलॉट. यू 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 क्रिटिसाइज योर करंट कॉन्टेंट. यू यू क्रिटिसाइज द मेथडोलॉजीज ओपनली ऑन सोशल मीडिया. यू क्रिटिसाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स. ब्ला, हु आर यू राइटिंग इट फॉर? हु आर यू एड्रेसिंग? आर यू एड्रेसिंग योर प्रोड्यूसर्स? आर यू एड्रेसिंग द पीपल यू वर्क विद? आर यू एड्रेसिंग योर कॉलीग्स? आई मीन वॉट डू यू अचीव वेन यू स्टार्ट टॉन्टिंग और क्रिटिसाइजिंग योर करंट इंडस्ट्री? Don't you think you're making more enemies if you have the same people on your social media who are giving you that chance कि यार ये आई works एम. for us? देखिए, बात यह है कि मैं फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव मेड जोक्स अबाउट थिंग्स दैट हैव डिप्रेस्ड मी एंड दैट वर आउट देयर टू किल मी. सो आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ, Yes, that's true, but you know, well, like, यू नो. because the thing is,
just like you, I openly speak about the flaws in the system, and बहुत लोग उससे हेट करते हैं, बट आई नो देर आर देखिए अदर चांसेस, बट यू आर देयर, सो डोंट यू थिंक दैट्स गोना क्रिएट अ रिजर्वेशन फॉर द पीपल कि यार ये जो है इस तरह की बातें करती है, इस तरह सोचती है, ब्ला ब्ला, राशि नो? पता जिनको जिनको मेरा पता है, काम का पता है, जिनको मेरा पता है, वो दे स्टिल दे डू नॉट है, क्योंकि आई हैव अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग. एंड जहां तक इन चीजों की बात है, ये कुछ वो है, दीज आर सम बिटर ट्रूथ्स दैट एवरीवन नोज बट नॉट एवरीवन इज वोकल अबाउट Right. इट. एंड देयर इज वन थिंग राफी दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग अप, जो मैं कंटेंट के हवाले से बात करना चाहूंगी, जो कि बहुत Right. हमारे कंटेंट का एक मसला क्या है. आप को मैं एक बात बताती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, राइट? Right. वी टर्म देम एज बोल्ड, या हम उनको अनकंफर्टेबल समझते हैं, या हम एकदम से एक रिलीजन वाली सॉर्ट लेके आ जाते हैं. और मेरे और आपके जैसे लोगों को पूरी उम्र लग जाती है प्रूफ करने में कि भाई हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, वी डोंट मीन एनीथिंग बैड. राइट तो हमारा हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी वैल्यूज इतनी कमजोर नहीं है कि किसी सच बात के कहने से वो कमजोर पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट ये एक माइंडसेट है जो बन चुका है, बिकॉज इवन व्हेन आई वाज राइटिंग खुतबस, देयर वर अ लॉट ऑफ टैबू थिंग्स, मोर थिंग्स दैट आई वांटेड टू टच अपॉन, बट आई वाज टोल्ड नॉट टू, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा. अच्छा ओके ये तो हर जगह है. मैं ऑनेस्टली मैं लिख के रही हूँ बिकॉज मुझे उन चीजों के बारे में बात करनी है जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. चलो तो स्पीकिंग स्पीकिंग ऑफ पेमेंट, हाउ मच ऑफ दैट हर्डल कम्स योर वे? अलॉट, बिकॉज यू आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट. यू नो, वंस यू गो ऑन सोशल मीडिया, विच मीन्स दैट यू डायरेक्टली अटैक द पर्सन हुज नॉट पेइंग यू, तो फिर हाउ डज दैट गेट रिजॉल्व? सो जब द मैसेज गेट अक्रॉस, आपकी पेमेंट रिड्यूस हो जाती है फिर जब आप डाल रही होती है इस तरह के ट्वीट्स या स्टेटस? नहीं, वो ट्वीट्स और स्टेटसेस तो देर आर पार्ट ऑफ माय पर्सनल थेरेपी दैट आई नीड टू डू टू काम सही, माय तो नर्व्स डाउन, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूं अपने साथ या सामने वाले के साथ. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता हैड देयर नॉट बीन दिस प्लेटफॉर्म. बट इट टुक मी 6 months राफे टू गेट माय पेमेंट्स आउट फ्रॉम 4 different sources. मतलब मेरे जैसा इंसान, आई यूज टू फील सो अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मनी, एंड नाउ आई एम दिस एक्सटॉर्शन एक्सपर्ट, कि मैं एक फोन और एक अजीब सा मैसेज करूँ जिसमें एक अजीब सा कुछ हो, एक थ्रेट हो, और सड़ा हुआ उनको मेरी शक्ल ना देखे बगैर उनको नजर आया कि ये रिदा बिलाल कुछ कह रही है. तो वो एक बड़े इंटेलेक्चुअल डीएचए वाले बेगर्स हम लोगों को उन्होंने बना दिया है. वो होता है ना डिफेंस डिफेंस में रहने वाला भिखारी, हम वो हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे मुझे बात बताया, यू हैव बीन ऑन बोथ साइड्स, व्हाई डज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट? व्हाई इज दिस पेमेंट इशू देयर? हैव यू अंडरस्टूड व्हाई इज देयर, व्हाई डज इट एग्जिस्ट? लिसन, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू दोस पीपल जो बाहर जाके अवार्ड्स करते हैं. या प्लीज, आई हैव अ क्वेश्चन के मैंने पिछले दिनों किसी न्यूज़ चैनल के कैमरामैन के बारे में पढ़ा था कि उसकी 10,000 तनख्वाह थी. 10,000 10 महीने में मिला के इज हार्डली 1 लाख. राइट ही डिडन गेट दैट फॉर 10 months. ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक. ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है? राइट तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि ये वजह क्या है, बिकॉज रिसेंटली someone I know who works for content, she publicly made a post that anyone जिसको payments के hurdle ने अपना नाम लिखे और उस बंदे का नाम लिखे जिसने payment रोकी हुई, and this happened on a profile, and अच्छा I was stunned. किसी के 5 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 2 लाख, कोई कह रहे 4 साल पहले मिली थी,
इसके लिए कर लिया और मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है चलो एटलीस्ट आई एम नॉट फेसिंग दिस. सो देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद वर्स सिचुएशंस. और वजह वजह मुझे समझ नहीं आ रही. मुझे ऑनेस्टली हर कोई कह रहा है आपकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई है सब हुआ है फाइन, बट ये फ्रीलांसर्स के साथ बहुत बड़ा मसला है राफे. मुझे नहीं पता कि दिस you know it's not as easy as it sounds. Freelancing, work from home, I'm sure a lot of people who work from home now they know it's not easy. I know I'm taking a lot of your time as well, but there's one thing I want to ask is ke, can we ever make a made in heaven in Pakistan? I'm just curious. I mean, you know, it's one of the best things I've ever seen, and when I watched it and when You want me to cry on a recorded session? You want me to cry? आप मुझे रुलाना चाहते हैं? नहीं, because उस शो को देख के even I was like, यार ये लोग क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं. इन्होंने women empowerment, इन्होंने content, इन्होंने सब एक सब के अंदर कर दिया, such beautifully depicted. और हम अभी तक वही कर रहे हैं कि एक औरत को थप्पड़ मारो, उसको थप्पड़ मारते रहो, औरत को ही पीटना है, एंड दैट्स इट. डू यू थिंक वी कैन एवर मेक कंटेंट लाइक दैट फॉर टेलीविजन? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात, बड़ी बड़ी छोटी सी बात. श्योर. खुदगर्ज में एक ट्रैक था मंशा पाशा का. शी वाज वन ऑफ द लीडिंग लेडीज एंड In the original story, I kept her as an unmarried girl. Okay. And she had this person coming over to her house because she lived alone and she needed someone emotionally. Right. And in very subtle ways, I had talked about that they were physically involved. Okay. So that was opposed. चैनल के हम ये नहीं दिखा सकते, हमारे खानदान देखते हैं तो आप इसको ना खुफिया निकाह कर दें कि उसने निकाह करके रखा हुआ. अच्छा. हालांकि हमारे आई एम सॉरी आधे से ज्यादा घरानों की, मैं अब आपसे बहुत ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, आई हैव बिन थ्रू माई यूनिवर्सिटी लाइफ, आई एम श्योर यू हैव सीन लॉट, आई एम श्योर यू कीप ऑन हियरिंग स्टोरीज. हम जानते हैं डिस्टर्ब्ड घरानों के बच्चे दे रिजॉर्ट टू बैड रिलेशनशिप्स. They right. look for emotional supports, and 80% of these people are going through it. Absolutely. They are involved in toxic premarital relationships. Lekin main us bare mein baat nahi kar sakti kyunki hamari audience bahut sharif hai. We have a pretty straight and dekhiye ek aur baat jo yahan par bade I think hamare content walon ka masla hai ki ladki ki kahani chahiye. ladki ki kahani. Acha mujhe mere upar ek tag lag gaya hai ki main bahut zyada male oriented stories likhti hu. Right. Because Khudgarz was very much driven by, you know, both the male characters. Okay. Even Be-Intiha for that matter, you know, had a lot of the main character. लेकिन कहानी कहानी होनी चाहिए. वो हमारा एक वो requirement बन गया ना कि बेचारी लड़की चाहिए है. Yeah, yeah, बिल्कुल. And I remember पिछले साल मैंने ये status लिखा था and most of the producers loved it. Right. कि बेचारी को कैसे पकाएं, कि एक देख right. लें उसमें लड़की डालें, उसको या तो उसको 8 से 9 तक पकाएं या 8 से 10 तक पकाएं, ठीक है, थप्पड़ डालें, जब तक वो सड़ ना जाए, हाथ ना जोड़ लें, उस चूल्हा बंद मत करें. तो हमारा तो ये फॉर्मूला है कि आप बस करते रहो करते रहो. हॉलीवुड एक जानवर को लेके कहानी बना देता है. एब्सोल्यूटली राइट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग. We are not looking for storytelling. हम storytelling को तो बहुत बस पीछे छोड़ें. So coming back to Made in Heaven, and while at the same time trying not to cry, I don't think अभी कुछ इस तरह की मुझे दिखने में लग रही है. Towards I have spoken to you a lot and I have taken a lot of time. We know that just to conclude a little bit, the problems exist. We're all very aware of it. Professionalism nahi hai. Hum sab wahi baatein kar rahe hain. Change koi leke nahi aa raha hai. No one's putting their foot down. There's a responsibility on producer and network heads.
aren't we going to crash? I mean, what your final thoughts are like? Do you think this is how it's going to go on? I mean, are we going to kya hoga? Rafi, personally, I know a lot of people जो अच्छा काम करना चाहते हैं और मैं राइटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ. यहाँ पर वही वाला एक डिलेमा और वो सवाल आ जाता है जो मैं इवन चाहूंगी कि आप भी एज ए प्रोड्यूसर एड्रेस करें कि ये जो हमने कह दिया ना कि ऑडियंस ये देखना चाहती है, क्या आपने उनका नया टेस्ट डेवलप करने की कोशिश की है? Right. ये मेरा सवाल बहुत लोगों से है कि लुक, एवरीवन वांट्स एंटरटेनमेंट. आप जो दिखाएंगे वो लोगों को पसंद आएगा. सबको ना भी आए तो किसी ना किसी को तो आएगा ना. राइट. एंड आई नो सो मेनी गुड राइटर्स, बिग नेम्स, जो दे आर सो डिसहार्टेंड. आपको पता है उनको उनको कह दिया गया कि आपको लिखना नहीं आता. ओह वाओ, ओके, या सो दिस नीड्स टू चेंज. दिस एंड द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, यू नो, मैं एक बड़ी आपसे, मैं एक दिल से बात कहूंगी कि अगर आप समझ लें ना कि हर इंसान अपना फेलियर, सक्सेस और अपना रिस्क अपने साथ लेके आया है. राइट. यू कैन नॉट स्नैच इट अवे फ्रॉम एनीवन. देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इनसिक्योर. देयर इज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. ये जो पावर प्ले है ना, ये बहुत बुरा है कि हमारे हाथ से ना जाए, किसी और को रखें, अपने नीचे ही रखें किसी भी तरह. ये चीज, लेट पीपल कम, यू नो, साथ मिल के जब तक काम नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, नथिंग एट ऑल. सो आई मीन, यू हैव टू अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो विद द राइट पीपल एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, बट अनफॉर्चूनेटली इट्स नॉट हैपनिंग दैट वे. आई मीन, कम से कम मेरे छोटे एक्सपीरियंस में तो मैं देखा है कि इस तरह तो नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई हम लोग बड़ा ओपनली, यू नो, वी ओपनली क्रिटिसाइज द सिस्टम अ लॉट. सही. एनी concluding remarks for anyone watching, because I know lots of people will be watching, because जब भी मैं करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन सी हरकत करने जा रहा हूँ. So, what would you like to say something to anyone who's watching right now? I do have but उसको आप अगर content से या अपने काम से relate करना चाहें तो of course आप बिल्कुल कर सकते हैं. बट मेरी मेरी ये सजेशन, ये बात सबके लिए है. यू नो व्हाट आई हैव सीन राफे, इंटेंशन ना, इंटेंशन गोज अ लॉन्ग वे. आप डायरेक्टर हैं. आई हैव सीन जो सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स आज तक मैंने देखे हैं ना, उसमें एक बात मैंने हमेशा सबकी सिमिलर देखी है कि उसमें एवरीवन वाज वर्किंग विद अ वेरी वेरी प्योर इंटेंशन. कोई गॉड में नहीं लगा हुआ था. डायरेक्टर अगर राइटर को बता रहा था कि यार ये सीन हटा दो या ये डाल दो, तो वो डाल रहा था. मिलके काम right. करना, टीम वर्क में ईगोस तो बहुत पीछे चले जाते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अबाउट यू. हम लोगों की सारी उम्र ना अपने जॉब टाइटल्स को जस्टिफाई करने में लग जाएगी. मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मसला है ना, कि जो कॉन्टेंट हेड बैठा है उसको जस्टिफाई करना है कि मैं 3 लाख किस लिए ले रहा हूँ. जो कंटेंट मैनेजर बैठा है उसको जस्टिफाई करना है कि मैं 80,000 किस लिए ले रही हूँ. खुदा का वास्ता, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, फॉर द लव ऑफ स्टोरी टेलिंग, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज. ऑलराइट, वेल, आई एम श्योर दे हर्ड यू लाउड एंड क्लियर, बट वो अभी भी यही करेंगे क्योंकि उनका काम है ये. तो thank you so much for being very blunt. This is just to speak about what issues exist, and I hope कि हम लोग जो है कम से कम इन चीजों को discuss करके, जो professional लोग हैं, I speak to the professionals only. I know from जब किसी को मैं काम करता देखता हूँ कि यार इस बंदे की नीयत, इस बंदे का काम करने का तरीका professional है. So you know, when you reach out to professional people, उन सबकी mindset same होती है. So that was the whole reason, and I hope we go towards a very positive outlook, and I hope you win more awards.
and you bring out more content. And Thank you hopefully so much. someday we also get to work. We get to work because we're trying to work as Definitely. well. I And hope for that, inshallah. and we'll be in touch. And I'll definitely keep you posted when this is out. Thank you so much. For sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye. Bye.